नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे मक्की की रोटी विंटर स्पेशल टिप्स के साथ, क्योंकि कई बार ये होता है गोल भी नहीं बनती है, फटने लगती हैं और टूट भी जाती हैं और फूलती भी नहीं है। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। इसके लिए लिया एक कप मक्की का आटा, आधा कप गेहूँ का आटा मिलाएंगे इसमें, और नमक 3/4 छोटी चम्मच मिलाया है, और धनिया पत्ती को महीन चॉप कर लिया है 1 बड़ी चम्मच इसको लिया है। अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे, और इसमें बहुत ही कम, ज़्यादा हमें मोहन नहीं मिलाना है, ये 2 छोटी चम्मच मोहन मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब यहाँ जो टिप होगी वो ये होगी कि हम इसे नॉर्मल पानी से इसका डो तैयार नहीं करके गुनगुना पानी लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच तेल मिलाकर और इसको अच्छी तरह मसल कर चिकना कर लेंगे, और अब इसको रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब फिर से मसल कर चिकना कर लेंगे, और बड़ी छोटी जैसी आप रोटी बनाना चाहें उस आकार की लोई तोड़ लें। ये थोड़ी बड़ी ही मोटी ही थोड़ी अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर जो टिप है वो है कि इस पर अच्छी तरह से आटा लगा लें, मतलब किलोथन लगा लें, और हाथ से फैलाकर जितना बड़ा कर सकें कर लें, क्योंकि इसको कम बेलना होता है। हाथ से जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़िया रोटी आपकी सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी। अधिक से अधिक फैला लें, जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह से बनानी होगी। अब हम अपने इस पर बेलेंगे और इसको और फैला लेंगे। इस बीच में अब तवा हम अपना गरम करने रख देंगे, मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेते हैं। तब तक ये रोटी हमारी बेलकर तैयार हो जाएगी। हल्का हल्का डस्टिंग करते चलेंगे आटे से, और बहुत हल्के हाथ से बेलनी है, दबा कर नहीं बेलनी है। रोटी तो कोई भी हो, हमेशा हल्के हाथ से बेलेंगे तो आपकी वो फूली फूली बनेगी। ये तवा हमारा गरम हो चुका है। अब इस पर हम अपनी ये रोटी डाल देंगे। इसको थोड़ा सिकने में टाइम लगता है, इसलिए इसको पेशेंस से सेकें। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है, इसको लोहे के तवे पर भी सेकी जा सकती है। और ये एक रोटी और डाल दी है, मैं एक साथ 2 बना रही हूँ, आप चाहें तो एक एक ही बना सकते हैं। अब जब तक हमारी दूसरी रोटी सिकेगी, पहली वाली रोटी हमारी दोनों तरफ से इसको देख रहे हैं आप, ऐसा ही हल्का हल्का सेकना होता है। ज़्यादा सेक लेंगे तो जब हम इस तरह से सेकेंगे, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट आंच पर सेकने पे जलने का वो रहता है, इसलिए पहले आप तवे पर बहुत ही हल्की सेकें और सब तरफ से घुमाते हुए बेलेंगे, तभी आपकी ये सब तरफ से सेक पाएगी। इस बात का ध्यान देना होगा। अब आप आँच को थोड़ा मद्दा कर लेंगे, देखिए अभी जली नहीं है, सब तरफ से हल्का हल्का सिकना शुरू हो गई है। इसी तरह किनारों से भी घुमाते हुए हमें इसे सेकना होगा। ये अब हमारी सिक चुकी है, और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और दूसरी रोटी तब तक सिक रही है, तब तक इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। घी या मक्खन लगा कर, ये मैं देसी घी लगा रही हूँ, और मक्खन ऊपर से सर्व करते समय आप देंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगी। इसी तरह से हम ये दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसी फूल रही है। इसी तरह यही है टिप कि आप इसको बेलते समय, बनाते फैलाते समय बहुत अच्छी तरह हल्के हाथों से करेंगे तो इसी तरह से फूली, और देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह से हमें सब रोटी अपनी तैयार करनी होंगी। इसको सरसों का साग और गुड़ के साथ सलाद के साथ आप सर्व करें। और सरसों के साग का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि बिना प्याज लहसुन का बना है। हाँ तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, जल्दी जल्दी आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।